नमस्कार। आज थ्री प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के अंदर हम सूर्य, शुक्र और केतु इनके बारे में बात करेंगे। सूर्य, शुक्र और केतु, इसके साथ ही दो और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य, शुक्र और केतु का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तब किस तरह के अशुभ परिणाम, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सामान्यतः अशुभ फल ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि सूर्य के साथ केतु होने पर सूर्य को ग्रहण, दूसरा सूर्य यहां पर शुक्र को भी डैमेज करेगा और केतु को भी डैमेज करेगा। तो यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो शुक्र और केतु दोनों का फल डैमेज होगा। अब शुक्र के बारे में आपको विस्तार से, शुक्र के टॉपिक में और केतु के बारे में विस्तार से, केतु के टॉपिक में, इसके साथ ही अंडरस्टैंड केतु जिसमें काफी ज्यादा डिटेल में हमने बात करी थी केतु के बारे में, तो बात कर चुके हैं। तो यहां पर शुक्र मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, साथ ही वेल्थ, तीनों के इशू। दूसरा केतु जब डैमेज होगा तो केतु क्या है? जीवन के अंदर हमारी ऐश का कारक। तो जब केतु डैमेज, तो जीवन में ऐश नाम की चीज नहीं, पैरों में भागा दौड़ी चक्कर लगे रहेंगे, व्यर्थ के भाग दौड़ जीवन में लगी रहेगी। संतान की समस्या, या तो ऐसे में बेटे की पैदाइश होगी नहीं या बहुत देरी से देखने को मिलेगी। अब यहां पर शुक्र और केतु जब दोनों डैमेज होंगे तो फर्स्ट हाउस में, अगर स्पेशली स्पेशली फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तब ऐसे में वाइफ को मेंटल हेल्थ इश्यू, यानी कि हेल्थ इश्यू तो कहीं भी होगा तभी आएंगे ही आएंगे, मगर अगर फर्स्ट हाउस में हुआ तो यहां पर दिमागी बीमारी देखने को मिल सकती है। तो ये काफी ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है अगर ये तीनों की बात करी जाए तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो हमने करना क्या है? एक तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपने जद्दी मकान यानी कि पुश्तैनी मकान में नहीं रहना चाहिए आफ्टर मैरिज। अगर रहेगा तो वाइफ के हेल्थ इशू लगातार बने रहेंगे और गृहस्थी बर्बाद होगी और सेपरेशन भी देखने को मिलेगा। यहां पर जातक को पहली बात अलग रहना चाहिए, दूसरा यहां पर बेटे की पैदाइश के लिए कुत्ते की पालना करना, मगर जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो तो कुत्ते की पालना नहीं करें, क्योंकि राहु सेवेंथ हाउस में आ जाएगा और राहु सेवेंथ हाउस में आ जाएगा तो यहां पर सेपरेशन तलाक के योग पक्के बना देगा। तो काम धंधा जातक का ठीक रहेगा, मगर सेपरेशन और करा देगा, गृहस्थी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डॉग पालने से इसमें गृहस्थी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तब। अदर किसी हाउसेज में है तो आप डॉग पाल सकते हैं, और डॉग पालने से संतान का योग अगर कुंडली में नहीं भी होगा तो यहां पर योग बन जाएगा। अब ऐसे में आपने करना क्या है कि डॉग पालना है, डॉग भी काले सफेद रंग का पालना है। दूसरा देखने को ये मिल सकता है कि यहां पर ऐसा डॉग या तो घर से भाग जाएगा या जल्दी ही उसकी मृत्यु आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपने 40 डेज के अंदर दूसरा डॉग अवश्य ही ले आना है, और ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको देखने को मिले, मगर आपने डॉग पालना छोड़ना नहीं है। तो ये यहां पर एकमात्र इलाज है बेटे की पैदाइश को लेके। दूसरा इसके अलावा, ये काम करने के अलावा, हम यहां पर आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी तिथि में, कौन से वक्त और कौन से मुहूर्त में आप बेटे की पैदाइश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आपको बेटे की पैदाइश देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाली सभी वीडियोस में काफी विस्तार से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो आपको 100% कंफर्मेशन के साथ बातें बताई जाएंगी, वो आपको किसी भी हॉरोस्कोप में चेक करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सामने वाले को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं या
चेक करेंगे तो वो चीजें उसके यहां घटित होती दिखाई देंगी। अब आपने यहां पर करना क्या है, एक तो शुक्र की रेमेडी, तो शुक्र कुंडली के किस हाउस में, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी हाउस में है उस हाउस के लिए शुक्र और केतु दोनों के रेमेडी परफॉर्म कर देनी है। दूसरा, केतु यहाँ पर बुरी तरह डैमेज हो रहा है, तो अंडरस्टैंड केतु नाम से जो हमने वीडियो बनाया था वहां पे जाकर आपको प्रॉपर ये सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो वहां पर केतु के लिए एग्जैक्टली सभी रेमेडीज बताई गई हैं, उन रेमेडीज को अवश्य ही कर लेना है। दूसरा, यहाँ पर 4 पीले नींबू जल प्रवाह करने चाहिए, डिपेंड करता है कुंडली के किस हाउस में है। अगर फोर्थ हाउस में है तो 4 नींबू 4 दिन लगातार कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। या कुंडली किसी भी हाउस में है तो 4 नींबू 4 दिन लगातार जल प्रवाह करें। दूसरा, ब्लैंकेट काले सफेद रंग का मंदिर में डोनेट करें। अगर 8th हाउस में है तो ब्लैंकेट के अंदर आपने गुड़ या गेहूं साथ में कपूर रुई में से कोई भी एक चीज लेकर उसके साथ रखकर कंबल में लपेटकर मंदिर में डोनेट करें, तो ऐसा साल में एक बार अवश्य कर लें। दूसरा, कान के अंदर सोना पहन लें। तो ये सब काम करने से आप अपने जो ये प्लैनेट वीनस और केतु की बात कर रहे हैं इसको इंप्रूव करते चले जाएंगे। दूसरा, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सूर्य मंगल बुध। अब सूर्य के साथ जब मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो ऐसा व्यक्ति एक वक्त में एक से अधिक काम करने की काबिलियत रखता होगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा शरारती होगा, यानी कि शरारती रहा होगा। कई बच्चे आपने देखा होगा कि काफी शरारती होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शरारती अवश्य ही रहा होगा। दूसरा, यहाँ पर हर बात का माकूल जवाब देने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं आता है। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति जब दबाव में नहीं आता है तो नौकरी में असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे बॉस पसंद नहीं होता या बॉस के द्वारा कही गई कोई भी बात ऐसा व्यक्ति डाइजेस्ट जल्दी से नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के अंदर अधिक सफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यापार करे और अधिक लाभ प्राप्त करे। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य मंगल शनि। अब सूर्य मंगल शनि का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो सामान्यतः ये शुभफल ही देगा। तो जातक के पास धन इत्यादि प्रचुर मात्रा में होगा, मगर जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 7th हाउस 10th हाउस या 11th हाउस में हो, क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस में सामान्यतः सूर्य जो है कमजोर पड़ जाता है, और यहाँ पर शनि भी पीड़ित हो जाता है जब ये कॉम्बिनेशन इन हाउसेस के अंदर बन जाता है। क्योंकि 7 कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 7 नंबर की राशि आई, और 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच का हो गया। दूसरा, 10th हाउस में शनि के घर में सूर्य पीड़ित हो जाता है, इसी तरह 11th हाउस के अंदर भी सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहता। तो 7th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो जातकों को विशेष तौर पर मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो औलाद संबंधी समस्या देखने को मिलती है जब स्पेशली 11th हाउस में हो। अब जब ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस में होगा, 7, 10 और 11 इन हाउसेज में होगा, तो यहां पर बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो अब वो खराब फल देगा। बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत, तो यानी कि किस्मत खराब होगी, जीवन के अंदर स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि धन की प्राप्ति जो होगी वो काफी ज्यादा संघर्षों के बाद होगी। तो यहां पर बृहस्पति कुंडली में जहां भी हो बृहस्पति को चेक करें। कुंडली के 12 ही घरों में जहां भी बृहस्पति देव बैठे हुए हैं उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर अपने बृहस्पति के शुभ या अशुभ फलों को समझ के और जो रेमेडीज बताई गई हैं उनको फॉलो करें। तो उनको करने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और जब जुपिटर स्ट्रांग होगा तो जो यहाँ पर अशुभ हालात जातक फेस कर रहा होगा उसके अंदर उसको लाभ होता निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो ये कॉम्बिनेशन सामान्यतः बाकी सभी घरों में शुभ फल ही देता है,
मगर डिपेंड करता है कि ये कुंडली के जिस भी हाउस में है वहां पे किसी और तरह से दृष्टि इम्पैक्ट या ग्रामर के रूल के कारण कोई और बैड इम्पैक्ट ना आ रहा हो। दूसरा, जब भी ये कॉम्बिनेशन खराब स्थिति में होगा, स्पेशली 7, 10 और 11 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर शनि का फल खराब हो जाएगा। विशेष तौर पर शनि का फल जब खराब हो जाएगा तो यहां पर कुंडली में विनस भी अब अशुभ फल देगा, यानी कि शुक्र अशुभ फल देगा। और शुक्र जब अशुभ फल देगा तो आपको बता ही दिया है कि शुक्र जब अशुभ फल देगा तो किस तरह के देगा, क्यों देगा, क्योंकि सेक्रीफाइस ऑफ प्लैनेट ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो जब तक आप ग्रामर के रूल नहीं अप्लाई करेंगे, अब मान लिया मैंने किसी का विनस बताया कि विनस के बारे में, विनस 7th हाउस के अंदर मैंने बहुत अच्छे फलों के बारे में बता दिया, मगर यहां पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली बना हुआ है या शनि अकेला भी कहीं कुंडली के अंदर पीड़ित है तो वो वीनस को डैमेज करेगा। अब आप कहेंगे कि हमारा शुक्र जो है वो तो कुंडली के 7th हाउस के अंदर तुला राशि में है या वृषभ राशि में है और मालवीय योग बनाकर बैठा हुआ है, तो आप ऐसी वीडियोस देख के खुश होंगे जहां पर मालवीय योग के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान किया गया है। मगर जीवन के अंदर मालवीय योग होता क्या है, उसके फल क्या होते हैं, उसका आपको अंदाजा ही नहीं लगा, क्योंकि जब मालवीय योग कुंडली में होता है तो जातक को एक राजा के समान जिंदगी देता है। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी हाउस, सारे जीवन के ऐशो आराम जातक के पास होते हैं। अब जातक तो एक नौकरी कर रहा है छोटी सी प्राइवेट, उसमें मालवीय योग लेके बैठा हुआ है तो फल क्यों नहीं मिला। तो बाकी अदर प्लेनेट को ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करके प्रॉपर जब चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी कुंडली के 9 जो प्लैनेट हैं, हमें सिंपली करना क्या है, अपने 9 प्लैनेट्स को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कितने ठीक हैं और कितने ठीक नहीं हैं। अब जो ठीक नहीं है उनको ठीक करने का इलाज बता रखा है, तो उसको आप प्रॉपर समझ के उनका इलाज करें, और जब करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे। तो यहां पर आज हमने 3 प्रकार के कंजक्शन की बात करी, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 कंजक्शन की बात करेंगे। तो तीन तीन का सेट लेके चलेंगे जिससे कि सारे कंजक्शन जल्दी रिकवर किए जाए, और उसके बाद नेक्स्ट 4 प्लैनेट के ऊपर, साथ ही बीच में अभी हम लोग जो है कुछ इमेजिंग फैक्ट ऑफ रेड बुक, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो प्लेनेट के कुंडली के किसी भी हाउस में होने पर आपको शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो अमेजिंग फैक्ट्स की बात लेके आएंगे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।